गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी विल रीड फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। नोट, आई और वी के साथ सेल हैव और शेष सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव ऑब्लिक सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। मुकेश विल हैव रीच्ड अलीगढ़ बाय नाउ। निगेटिव सेंटेंसेज स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकी होगी। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। इंट्रागेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य रूल नंबर फर्स्ट, जब क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड क्या की इंग्लिश नहीं लिखते बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में लिखते हैं। स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या चपरासी घंटी बजा चुका होगा तो बनेगा विल द प्यून हैव रंग द बेल। रूल नंबर सेकेंड, जब क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सेंटेंस के प्रारंभ में लिखते हैं। स्ट्रक्चर, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तुम कितना कार्य कर चुके होगे, हाउ मच वर्क विल यू हैव फिनिश्ड, हाउ मच वर्क विल यू हैव फिनिश्ड।